ये वाला वीडियो अगर आप गुजर हैं तो ही देखना, तो ही हिम्मत करना इस वीडियो को देखने की, क्योंकि ये वीडियो जो बन रहा है ये सिर्फ और सिर्फ गुजरों के लिए बन रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं, सबसे पहले आपको बता देता हूं कौन हूं, रवि शर्मा, यूट्यूब के आपके अपने पंडित जी। सबसे पहले हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कर्नल किरोड़ी बेसरा जी को। दोस्तों 10 तारीख 11 तारीख और 12 तारीख तीन दिन गुजरों का होने वाला पुष्कर में धमाल, और लगभग 5 लाख गुजरों का यहाँ आने की संभावना है, क्योंकि किरोड़ी जी बेसरा उनकी अस्थि कलश यात्रा सब जगह घूम करके लास्ट में पुष्कर आ रही है, और 3 दिन का यहाँ पे होगा बहुत ही ग्रांड सेलिब्रेशन। तो सबसे बड़ी खास बात, क्योंकि मैं बताने जो जा रहा हूँ वो है खास गुजरों के लिए। देखिए, गुजर समाज हमारा अभिन्न अंग है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है पुष्कर राज में। परंतु ये ध्यान रखिएगा, इस 3 दिन के कार्यक्रम में कहीं आप पुष्कर राज की मर्यादा ना भूल जाएं। मेरा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, पुष्कर के घाटों पर कृपा करके जूते चप्पल तो बिल्कुल भी ना लेके आए, अस्थि कलश, अस्थि विसर्जन सब कार्यक्रम हो। और हाँ, साथ ही यहाँ पर लगभग शायद 30-40 हज़ार दीपकों के साथ में दीपदान भी होने वाला है, वो भी बहुत अच्छा है। आई थिंक पहली बार इतना ग्रांड सेलिब्रेशन पुष्कर के घाटों पर होने जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट साथ ही हमें सबसे बड़ी बात मर्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी, जो दीपक दीपदान होगा वहाँ से दीप का काफ़ी दूसरे दिन या बाद में उल्टे भी हो जाते हैं, और वो जल, वो दीपों का तेल जल में जाने से जल दूषित होता है, मछलियाँ भी मरने होती है। तो हम निवेदन करेंगे, मैं तीर्थ पुरोहित रवि शर्मा, मैं निवेदन करूँगा उन सभी अधिकारियों से, उन सभी समर्थ लोगों से जो इस ग्रैंड सेलिब्रेशन को, इस ग्रैंड इवेंट को पुष्कर में मनाने जा रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कृपा करके ये जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है उन अधिकारियों तक, उन समर्थ लोगों तक जो इस सेलिब्रेशन को बनाने के लिए रेडी हो रखे हैं, लालायित है और फुल एनर्जी के साथ लगे हुए हैं, प्लीज़ पुष्कर की मर्यादा का ध्यान रखें। जब दीपक दीपदान हो जाता है तो उसके बाद में उन सभी के सभी दीपों को हटाने की, सफाई करवाने की भी व्यवस्था प्लीज़ करवा लीजिएगा, क्योंकि हम देखते हैं आए दिन यहाँ पर जब भी कभी छोटा मोटा भी दीपदान होता है तो दीपक फिर इधर उधर घूमते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, मछलियाँ मरती है। तो हमारा कार्यक्रम भी हो जाए, तीर्थ की मर्यादा भी बने रहें और पूरा का पूरा आनंद भी लें, ये सारा का सारा ध्यान रखिएगा। सॉरी, मैंने जो बिगिनिंग में गुजर भाइयों को बोला, इट वॉज जस्ट टू लेट यू नो। तो आपका स्वागत है एक बारी पुनः कर्नल बेसला जी की, किरोड़ीमल जी बेसला जी की आत्मा को भगवान पुष्कर आज शांति प्रदान करें और यहाँ पर आकर के विलीन होंगे, क्योंकि यहाँ पर पुष्कर देखिए देवनारायण गुजर समाज जो हमारा है उनके आसपास के हमारे यहाँ के जो लोग होते हैं, इवन जब किसी की डेथ होती है तो यहाँ पुष्कर में आकर के उनको वो डेड बॉडी का को जलाया जाता है, इतना पवित्र मानते हैं। तो प्लीज़ मर्यादा घाट की बनी रहे, ध्यान रखिएगा। जय पुष्कराज की, जय श्री नारायण, जय श्री राम। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लगभग 5 लाख गुजरे आ रहे वाले हैं, तो कम से कम 5 लाख गुजरों तक तो ये वीडियो पहुँचना चाहिए मर्यादा के लिए, राइट। दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और ब्लॉग पर, तब तक के लिए जय पुष्कराज की, जय श्री नारायण, जय श्री राम।